है गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज एक बहुत बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, एज अ लीगली या फिर इलीगली, दोनों तरीके से कैसे एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ब्लैक मनी। तो दोस्तों उसके लिए हमने कार्ड में लिंक दे दिया गया, उसमें वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद हवाला क्या होता है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी आपको कार्ड में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लैक मनी को इलीगली या फिर लीगली कैसे बात किया जाए, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। तो सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हम हैं सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे गूगल पे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ विद 100% ट्रू एक्यूरेट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस आते हैं अपने टॉपिक, मतलब ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लैक मनी का थोड़ा सा समरी बता, जिस पैसे का आप टैक्स नहीं देते उसको कहा जाता है ब्लैक मनी, जो पैसा सरकार की नजर में नहीं आता उसको कहा जाता है ब्लैक मनी, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये बात ऐसा नहीं आता कि ब्लैक मनी जो जिनके पास भी है वो सारे के सारे इलीगल काम करते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि ब्लैक मनी जिसके पास होता है वो इलीगल काम करते हैं। अभी इलीगल काम नहीं करते उसके पास ब्लैक मनी कैसे हो सकता है। देखो दोस्तों, जो बहुत मतलब जो पुराने लोग है जिनको इतना पता नहीं है लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब जमीन है, उससे खेती हो रही है, बहुत बहुत लाखों करोड़ में पैसा आता है, उनको इतना पता नहीं, वो अपना पैसा अपने पास ही रखते हैं, उनको इतना लॉ और कानून के बारे में पता नहीं है, तो दोस्तों वो भी एक तरीके से ब्लैक मनी हुआ, लेकिन वो तो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। तो एक ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए आज के दिन में बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और आप अगर सरकार को दिखा भी दे तो मेरे पास इतना ब्लैक मनी, आपको कोई भी सजा नहीं होता है, बहुत सारा प्रोसेस है। पहले दोस्तों इलीगल की बात कर देते, मतलब जो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं या फिर सरकार को इतना ज़्यादा पे नहीं करना चाहते हैं, पे की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो और भी बहुत ज़्यादा है तरीके जिसमें ज़्यादा पे करके आप उसको डायरेक्टली व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, और कोई भी नॉर्म भी आप पे, मतलब लीगल जो कानून होता है वो भी आप पे नहीं अप्लीकेबल होगा, ओके। तो पहले इलीगल की बात कर लेते हैं, मतलब इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो शिवाजी द बॉस मूवी में आप लोग देख सकते हो जैसे किया गया था, उसका थोड़ा सा एक बता देते हैं। मतलब आपके पास हजारों करोड़ रुपया है, आप क्या करते हो डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में, या फिर उसको डायरेक्टली इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, नहीं तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई एक ट्रस्ट खोल लिया आप, ठीक है, और बहुत मतलब पूरे बाहर में या फिर अब्रॉड में चारों तरफ पैसा अपना फैला दिया और लोगों को बोले छोटे छोटे अमाउंट में मेरे ट्रस्ट में पैसा डालो एज अ डोनेशन, और फिर वो डोनेशन का पैसा होगा उसको आप जैसे जहां चाहो मतलब खर्चा कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम या फिर कोई भी आपको कानून अप्लाईकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक इलीगल तरीका है, पकड़े गए तो बहुत बड़ा जो है जुर्माना हो सकता है इसके ऊपर, ओके। दोस्तों इस तरीके का और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो ये तो हो गया इलीगल। अभी दोस्तों लीगल तरीका भी ऐसा ऐसा है जिसमें आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट कर सको। सरकार का बहुत सारा अभी प्रोजेक्ट है जिसमें कि 50%, मतलब जो कि आपका 100 रुपया है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 100 रुपया आपके पास अगर है तो उसको अगर आप लीगल तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, सरकार डायरेक्टली बोलते हैं भाई हमको 45% जो है दे दो एज अ टैक्स और पेनल्टी, कह सकते हो 15% पेनल्टी, 30% टैक्स, और बाकी 55% पैसा या फिर जो है 45 रुपया हम रख लेंगे, जिसमें 15 रुपया होगा पेनल्टी और 30 रुपया होगा इनकम टैक्स, और बाकी का 55 रुपये, मतलब 55 रुपीज जो आपका हो जाएगा डायरेक्टली व्हाइट मनी, उसको आप जहां पे भी खर्चा करो जैसे भी खर्चा करो कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसके बाद आता है दोस्तों एलिफेंट बॉन्डिंग, जो कि अभी नया आया है, अभी पूरे तरीके से आया नहीं है लेकिन ये आने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें 45 की बहुत मतलब सिर्फ 15% देके पूरा का पूरा पैसा जो है आप व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो इसके ऊपर कल एक अलग से वीडियो बनाए आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि एलिफेंट बॉन्डिंग जो है क्या है, कैसे काम कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो इलीगल लोग है वही इस वीडियो को देखे इससे काम करे, कोई भी लोग जो है जिसके पास, जैसे कि आपको पता है वो पुराने जमाने के जो लोग जो है जिसके पास मतलब वो प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ब्लैक मनी कहता है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये तो कुछ तरीके बताए सरकार को, आपको अभी डायरेक्टली सरेंडर करते तो 50 मतलब 45 उनका हो जाता है और 55 आपका डायरेक्टली व्हाइट मनी हो जाता है। और सबसे बड़ी
तुम्हारी बात, आपके ऊपर कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब बहुत सारे जो लॉ होते हैं, मतलब ब्लैक मनी रखने का, जुर्माना, जेल, ये सब जितने भी होते हैं, कोई भी कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। डायरेक्टली आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से। और एक एलिफेंट बॉन्डिंग के ऊपर कल वीडियो आने वाले, वो तो बताएंगे दोस्तों। ये था कुछ आज का वीडियो जिसमें कैसे ब्लैक मनी को लीगल और लीगल तरीके से व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ है, अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर करके जरूर बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको बनता ही है। ऐसा वीडियो चाहते हो, बेल आइकन को कर देना क्लिक। दोस्तों खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।